हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे आप लोग, होप सो मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो भाई पहले आज का मौसम देख लो यार, आप पीछे से क्या मस्त लग रहा है। तो जो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है भाई इस प्यारी वादियों के साथ। और आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही फेमस मंदिर पे, जो कि सिर्फ रक्षाबंधन को खुलता है। तो मेरा टाइटल भी देख लिया होगा आपने, वंशी नारायण। तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मैंने अभी से फ़ोटोज़ में देखा है। और निकलने के लिए हमें अभी यहाँ से थोड़ा देर लग रहा है, और मौसम भी थोड़ा बहुत साथ नहीं दे रहा है, इसी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। और पैकिंग वैकिंग तो हो चुकी है, वो आपको आगे दिखाऊंगा कि भाई क्या क्या पैकिंग की हुई है मैंने। तो निकलते हैं गोपेश्वर से, और उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा अपने सेटअप के साथ। और बहुत कुछ आगे है यार, आज तो बहुत मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। तो भाई एज यूजुअल हम लोग पहुंच चुके हैं चमोली, और अब हमको यहीं से भाई वंशी नारायण के लिए जाना पड़ेगा। और जो रूट है वो आपका चमोली से पीपलकोटी जाएंगे, पीपलकोटी से हेलंग, और देन उर्गम, मतलब उर्गम से हमें वंशी नारायण का रास्ता मिलता है। तो अभी हम लोग चमोली पहुंच चुके हैं, और इसके बाद हम लोग पीपलकोटी के लिए निकल रहे हैं। तो चलते हैं चमोली से भी, और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। सुबह तक बारिश हो रही थी, लेकिन भाई अभी बहुत ही सही हो चुका है मौसम, तो अच्छा लग रहा है। मौसम भी साथ दे रहा है हमेशा की तरह। भाई ये देखिए, सबसे रिस्केबल एरिया है पहुंच चुके हैं हम, ये बिराई से आ गए यार। देख सकते हो आप भाई, ऊपर इतने भयंकर पहाड़ और नीचे से रोड कटी हुई है, तो बहुत ही रिस्की तरीके से निकालना पड़ रहा है। और बारिश की वजह से रोड की हालत ही बहुत ही बेकार हो रखी है यार। और जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं ना, बहुत ही केयरफुली चलना पड़ रहा है, क्योंकि स्लाइडिंग एरिया भी बन चुका है। जैसी बारिश होती है तो पहाड़ों में स्लाइड बन जाता है। और देख सकते हो आप मशीन, देखो यार कहाँ चढ़ी हुई है मशीन, इतने डेंजर डेंजर प्लेसेस हैं यहाँ पे। तो वो देखिए आप, मशीन इतने ऊपर चढ़ी हुई है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पीपलकोटी। तो अभी पापा जी थोड़ा सा फल फ्रूट लेने जा रखे हैं, और होटल्स के भाई यहाँ पे बहुत ही शांति छा रखी है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में लॉकडाउन की गाइडलाइन है, और इस बार चारधाम यात्रा भी शुरू नहीं हुई है, तो सारे होटल्स ऐसे ही सोने पड़े हुए हैं। तो अभी तक हम वही डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि यार इस बार मतलब होटल्स के तो बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं, लेकिन कोई नहीं, अगली बार तक सारा एकदम फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर से इन रोडों पे भाई जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं ना, बहुत ही मस्त लगता है। और जितने भी यहाँ के रोज़गार है वो इसी से चलता है, क्योंकि बद्रीनाथ जी की वजह से यहाँ पर रोज़गार चलता है मोस्टली। और अच्छा भी लगता है यार कि भाई फिर से ऐसे चहल पहल हो, लेकिन थोड़ा सा सब्र करता है, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है फिर से शुरू हो जाएगा हमारा चारधाम यात्रा। तो अभी हम थोड़ा सा पीपलकोटी में वेट कर रहे हैं सामान सामान लेने का, पापा जी जल्दी आते हैं फिर निकलते हैं। और यहाँ से होपफुली हेलंग है पहले, जहाँ से हमें डाइवर्ट होना है। तो हेलंग तक तो लगभग 12 या 14 किलोमीटर है यहाँ से, तो चलते हैं यहाँ से हेलंग पे। फिर वहाँ से हमारे साथ एक नए साथी और एक नए परिवार के मेंबर भी जुड़ने वाले हैं, तो उनसे भी मिलाएंगे आपको हम। तो पहले यहाँ से निकलते हैं आगे ना, तब देखो आप। तो अभी हो चुके हैं ड्राइवर चेंज, अब पापा जी चला रहे हैं गाड़ी को, और मैं बैठ गया हूँ उनकी बगल वाली सीट पे, क्योंकि थोड़ा बहुत राइड उनको भी आती है, हमसे खतरनाक राइडर हैं। और देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं पाताल गंगा के उस टनल पे, जिन्होंने मेरे पिछला व्लॉग भी था गोपेश्वर से माना, उसमें भी हमने इस टनल का जिक्र किया था, और बहुत सारे मज़े किए थे और बहुत सारा प्यार दिया था उस वीडियो को आप लोगों ने। तो जिसने नहीं देखी वो वीडियो दोबारा देख लें एक बार। तो इस टनल का बहुत ही मज़ा आता है, बाइक के साथ आओ ना तो फुल एक्सीलेशन के साथ निकलो तो बहुत प्यारा साउंड देता है। तो हमने कर दिया ये टनल क्रॉस, तो मज़े कर रहे हैं अभी तक, तो सब कुछ अच्छा जा रहा है और आगे भी अच्छा जाएगा। तो अब बहुत ही मस्त व्यू दिखते हैं यार आपको, तो मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ पहले।
अभी हम पहुंच चुके हैं हेलंग, और हमारे साथ हमारे फैमिली के मेंबर, हमारे भांजे शुभम अधिकारी जो लोकल गाय हैं यहाँ के, तो हाई बोल दो पहले साथ फ्रेंड्स। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो पीछे हुआ है उर्गम घाटी, तो अब वहाँ से निकलना है। देखो क्या ब्यूटी है यार, बहुत ही मस्त। शुभम जी क्या है तो प्लान आगे का हमारा, आप बताओ। अभी हम पहले कल्पेश्वर पहुँचेंगे। हाँ जी, तो उसके बाद वहाँ से आगे के लिए ट्रैवल करेंगे। तो भाई अभी हमारा प्लान ये है कि पहले हम कल्पेश्वर के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि कल्पेश्वर भी इसी रूट पर पड़ता है जो कि पंच केदारों में से भी एक केदार है। तो निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से गाड़ी चलाऊँगा मैं, क्योंकि रास्ता बहुत ही थोड़ा टफेस्ट भी और थोड़ा बेकार भी हो रखा है, इसीलिए हम चलाएंगे अब गाड़ी यहाँ से और निकलते हैं। तो भाई देखो हम पहुंच चुके हैं उर्गम वैली में, और तो पीछे देख सकते हो क्या व्यू दिख रहा है। तो अभी हमने इस व्यू को दिखाने के लिए रुके हुए हैं, और अभी हमको जाना है उस साइड पे, और रोड की हालत बहुत ही बेकार है यार। तो आप लोग आए तो केयरफुली ट्रैवल करें इस जगह पे, क्योंकि स्लाइड पोर्शन है और रोड भी बहुत छोटी है, और लेकिन एटलीस्ट लास्ट में इतना प्यारा व्यू देखने को मिलता है ना भाई, अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया मुझे देख के। और मैं इसी व्यू के लिए अभी रुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये व्यू कहीं और से दिखने वाला है नहीं, तो आप लीजिए इस व्यू के मजे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी कल्पेश्वर में, तो देख सकते हो आप पीछे क्या व्यू है, और मंदिर भी ज्यादा दूर है नहीं रोड से, क्योंकि गाड़ी हमने की है यहाँ पे पार्क, और यहाँ से मोस्टली थोड़ा सा 100 मीटर के अंदर पे ही हमारा कल्पेश्वर मंदिर है। तो व्यू देखो आप पहले, क्या अमेजिंग है, चारों तरफ भी भाई पूरी हरियाली हरियाली, और सबसे फेमस लगता है यहाँ पे ये जो झरना आ रहा है ना पीछे, वो लगता है बहुत ही अमेजिंग। तो दर्शन करने के लिए चलते हैं, उसके बाद हम फिर वापस यहाँ से उर्गम के लिए जाएंगे, और फिर थोड़ा बहुत देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है, कुछ भाई लोग हैं वहाँ पर मिलते हैं उनसे, तब बताते हैं आगे का क्या क्या प्लान है। तो पहुंच चुके हैं मंदिर पे, और देख सकते हो कि वो है पुल आपका, और ज़्यादा दूर है नहीं, रास्ता भी अच्छा है, और शुरुआत हो चुकी है घंटी से। जय बोले। तो भाई साउंड फिर से अमेजिंग। तो जूते उतारता है यार पहले। खोरा पता रस्से है बहरे गन हुकन बता होते धरी प्राण। बोले कल्पेश्वर महादेव की जय। यहाँ पर भगवान कल्पेश्वर पंच केदारी में पांचवा स्थान कल्पेश्वर महादेव का, यहाँ पर जटा का रूप है भगवान का, और ये साउंड हम जो है जो जटा के नीचे बैठे हुए हैं, और ये पूरी जटा है, यहाँ पर जो है जटा की पूजा होती है और जटा का ही दर्शन होते हैं। आप आगे जाएंगे रुद्रनाथ में, रुद्रनाथ में भगवान का फेस चेहरा, चेहरे की पूजा होती है और चेहरे का ही दर्शन होता है। आप तुंगनाथ में जाएंगे, तुंगनाथ में भगवान शंकर की भुजा, भुजा का दर्शन होता है, भुजा की पूजा होती है। मध्य महेश्वर में जाएंगे आप तो भगवान का मध्य भाग का दर्शन होता है, मध्य भाग की पूजा होती है। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठ भाग की पूजा होती है और पृष्ठ भाग का ही दर्शन होता है। इस प्रकार से भगवान शंकर के पांच आलय हैं ये, मध्य महेश्वर, तुंग महेश्वर, रुद्र कल्प महेश्वरम। तो यहाँ पर यह मंदिर जो है कल्पनाथ जो है 12 महीने खुला रहता है, हर दिन यहाँ पर पूजा होती है, और जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते रहते हैं लोकल और जो है बाहर के भी। बगल में जो है यहाँ पर जटाशय जो है, जटाशय जो है पानी निकलता है, जो पानी जो है पीछे कुएं में जमा होता है, मंदिर के पीछे कुआं है, कुएं में बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है और उस पानी से भगवान का अभिषेक होता है। तो वो जल जो है कभी जो है सूखता नहीं है, हमेशा उसमें उस कुएं में पानी रहता है। आगे बगल में जो है हिरणावती नदी बह रही है, तो हिरणावती नदी जो है जब भगवान शंकर के चरणों से नीचे को जाती है, तो ये जो है इसको कल्पगंगा बोलते हैं। कल्पगंगा आगे त्रिवेणी में जाएगी,
तो त्रिवेणी में जो है अलकनंदा से के साथ मिल जाती है, अलकनंदा देवप्रयाग में जाएगी तो देवप्रयाग में गंगा के साथ मिल जाती है। इस प्रकार से भगवान कल्पेश्वर का वर्णन इस प्रकार है कि ये रचना जो है मंदिर का जो निर्माण किया होगा ये पांडवों ने किया है और इसका प्रचार प्रसारण जो है शंकराचार्य जी ने किया है। इस प्रकार से शायद पांचों मंदिर जो इसके क्या नाम इसका शिवालय हैं कि रुद्रनाथ कल्पनाथ मधुमेश्वर कुंभनाथ तो ये जो है कि ये सारे पांडवों की रचना है। गाइस यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ तो उनके साथ थोड़ा बहुत हम लोग मस्ती मजाक करते हुए तो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं बच्चे दर्शन करने के लिए जोशीमठ कह रहे हूँ और थोड़ा बहुत शर्मा भी रहे हैं कैमरे को देख के। लेकिन आप लोगों ने अभी सुनी होगी पंडित जी की बातें बता रहे थे यहाँ के बारे में, जो भी पंच केदार है हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में उनमें से एक केदार दुर्गम वैली में है जो कल्पेश्वर है। लेकिन हमारा जो टूर था बंसी नारायण का वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो बीच में कल्पेश्वर भगवान भी पड़े तो हमने कहा जाते जाते उनके दर्शन भी कर लेते हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से फिर दुर्गम चलते हैं और कुछ खा पी लेते हैं पहले क्योंकि कुछ खाया नहीं है सुबह से, नाश्ता भी नहीं किया है तो चलते हैं यहाँ से। तो आज हम वापस रिटर्न कर चुके हैं कल्पेश्वर, तो अभी हमें सचिन भाई भी मिल गए हैं। सचिन भाई हाई कर दो हमारी पब्लिक को। तो सचिन भाई भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे आज बंसी नारायण को और आगे भी इनसे मिलते रहेंगे पूरे जर्नी पे साथ हमारे साथ। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है कल्पतरु कोई रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा है और आप लोग आओ। तो यहाँ पे होम स्टे की भी अच्छी व्यवस्था है और बहुत चीज़ें हैं यार और अच्छा लगा यहाँ पे कि लोगों ने जिस हिसाब से यहाँ को रखा है बहुत अमेजिंग है। और क्योंकि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ अवेलेबल है और नेटवर्क की भी अब दिक्कत नहीं है, पहले तक तो नेटवर्क की दिक्कत थी। तो भाई हमें उर्गम वैली में मिले हमारे भाई जी बड़े भाई प्रकाश भाई। प्रकाश भाई हेलो बोल। हेलो। तो भाई जी यहीं के लोकल हैं तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं तो भाई उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे हेल्प मिल चुकी है। तो भाई जी थैंक यू आपका कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। वेलकम ब्रो। तो भाई जो भी आएगा एक बार प्रकाश भाई से मिल लेना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। आपको होम स्टे या किसी भी प्रकार की डिटेल्स यहाँ की हेल्प चाहिए होगी तो भाई जी मदद करेंगे ना भाई जी। बिल्कुल हाँ। तो भाई जी ने भी बहुत मदद की, कार पार्किंग हमने यहीं पर करवा दी उनकी हेल्प से। तो निकलते हैं यहाँ से हम लोग अब अपने यात्रा के लिए। अच्छा ठीक है, मिलते हैं जल्दी। गाइज हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रैक के लिए। अब यहाँ के बहुत सारे रास्ते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, किसी भी गांव वाले से हेल्प ले सकते हो आप लोग कि भाई कहाँ से जाना है। तो अभी हम लोगों ने पूछा तो हमारे तो जानने वाले थे प्रकाश भाई, तो उन्होंने गांव का रास्ता ही हमें प्रेफर किया है तो हम लोग गाँव के ही रास्ते जा रहे हैं। तो देख सकते हो पूरा सामान एकदम पैक पूरे बैग के साथ और पीछे देखो क्या मस्त हरियाली से हो रखी है भाई, क्योंकि उर्गम घाटी बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ से सब्जियाँ एकदम सेब वेब बहुत ही यार भाई फेमस, मतलब बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। तो बीन्स की खेती भी होती रहती है। हमारे पोटर साहब बोल रहे हैं जो हमारे आज भांजे हैं वो पोटर का काम भी करते हैं तो इसीलिए आज उनकी हेल्प से ही हम लोग जा रहे हैं। कैसे हैं? तो गाइस देखे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही मस्त है यार, मज़ा आ गया इनको देख के। गांव में हैं छोटे छोटे बच्चे है ना। कौन सा गांव है ये? गांव का नाम क्या है? उर्गम। देखो तो भाई उर्गम के छोटे बच्चे, तो वीडियो में आओगे ना तो यूट्यूब देखना ठीक है। तो गाइस अभी हमने ले लिया है सेकंड ब्रेक और साथ में हम खाने वाले हैं घर की ककड़ी, तो जो पापा जी भी काट रहे हैं और हमारे पोटर साहब भाई हमें छोड़ के आगे आगे भाग जा रहे हैं। और सचिन भाई तो अभी फिर फुल अपने फॉर्म में आ चुके हैं भाई, ड्रेसअप वाले फॉर्म में, अब यहीं रनिंग करने वाले हैं भाई जी है ना। और देखो भाई क्या ककड़ी कट रही है एकदम मस्त से, तो थोड़ा सा पहले भगवान जी को चढ़ा दिया है। भाई मज़ा आ गया घर की ककड़ी और जो मज़ा है ना
पिसे हुए नमक के साथ, मस्त एकदम। पूरा मजा ले रहे हैं खकड़ियों का, और रास्ते का तो बहुत मजा है भाई। रास्ता भटकने वाला है नहीं, बस थोड़ा कीचड़ वाड़ है, इसलिए हमने सूट भी ठीक पहने। और मौसम तो भाई वाह, हवा एकदम फील हो रही है, तो खाते हैं ककड़ी यार, मजे लेते हैं भाई। हमारे पोर्टर साहब हमें कुछ बताना चाहते थे, पोर्टर साहब बताए, क्या बता रहे थे आप हमें? क्या बोल रहा है, ये भी एक क्या बोलते हैं, वडियार है, वडियार है। देखिए गाइस, पहाड़ों के जड़ पे भाई वडियार, देखिए वडियार। तो भाई यहाँ लोग भाई कितने भी लोग रह सकते हैं, ओ भाई साहब, तो ये देखिए इतने भाई, इतने सारे लोग रह सकते हैं भाई। जब भी बारिश आती है तो लोग यहीं पे स्टे कर लेते हैं, यहाँ बारिश के लिए रुकने के लिए। तो देख सकते हो आप इतने बड़ा पेड़, और इसके जड़ पे देखो यहाँ बहुत ही खतरनाक व्यू देखने को मिल रहे हैं, और पेड़ इतने बड़े बड़े हैं गाइस, क्या बताऊँ। ये ऊपर देखो, ऊपर तक। तो भाई हालत अभी थोड़ा बहुत नॉर्मल है, टेम्परेचर भी ठीक है और मज़ा आ रहा है चलने में, धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो कहाँ तक चला जाता है आज, चलते चलते मजे लेंगे और मज़ा भी आ रहा है। अभी पहुंच चुके हैं भाई इस चढ़ाई पे, अब चढ़ाई से हमको चढ़ना है डाउन। अभी तो एक हल्का फुल्का हमने लंच भी कर लिया था अपना, तो पीछे देखते तो अभी ग्लूकोज भी चल रहा है हमारा, और हमको जाना है अब यहाँ से डाउन, और उसके बाद हमारा जो एक पॉइंट है कलगोट गाँव, वहाँ पहुँच जाएंगे हम। तो देख सकते हो आप, और हमारे पोर्टर साहब रास्ता बताएंगे अभी हमें। पोर्टर साहब कहाँ से है रास्ता, यहाँ से? तो भाई अभी यहाँ पे धुंध लगी हुई है, इस वजह से दिख नहीं रहा है, तो जैसे जैसे हम नीचे चढ़ेंगे तो आपको धुंध से 20 से दिखाएंगे, तब देखते हैं कहाँ कहाँ हम चढ़ते हैं आगे। तो निकलते हैं भाई अपने लंच पैक्स ख़त्म करके। भाई मतलब रास्ता इतना डेंजर है ना, क्या बताएं। देखो समझ सकते हो आप, इतना भयंकर रास्ता है कि भाई यही लोगों का आने जाने का रास्ता है, और पूरा कीचड़ से ही भरा हुआ रास्ता है, देख सकते हो आप। और भाई ये जितना भी रास्ता है ना, घोड़ों के ही पैरों के निशान दिख रहे हैं, और इसी पे हमको भी चलना है भाई, क्योंकि बहुत ही भयंकर वाला फील आ रहा है अभी, फिसलने का दिक्कत भी बहुत है, तो बहुत ही केयरफुली चलना पड़ रहा है अभी। तो ये देखो भाई पूरा कीचड़, ये देखिए, समझ सकते हो आप लोग भाई कैसे चलना होगा, और यहाँ के लोग कैसे चलते होंगे भाई, मैं तो कोई, मेरा तो सोच से ही परे है, तो आप लोग समझ सकते हो। और हमारे दोस्त लोग तो आगे चल रहे हैं, पापा जी भी साथ में उनके, मैं बड़े आराम से आता हूँ अभी। ओ भाई कीचड़। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कलगोट गांव में, और यहाँ पे हमारे साथ एक ताऊ जी मिल चुके थे हमें। ताऊ जी तो हमें बताया कि भाई कैसा है ऊपर का नज़ारा, अभी हम लोग जा सकते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया रास्ता है, फर्स्ट क्लास, 5 किलोमीटर है यहाँ पर से। हाँ जी ताऊ जी, और 11 बार जो है नाला इधर उधर करना पड़ेगा। अच्छा, 11 बार जो नाला आपको वहाँ पर मिला है। हाँ जी ताऊ जी, वो 11 बार इधर उधर करना पड़ेगा। हाँ ताऊ जी, तो सोचो आप 7 बजे को मंदिर में चले गए। अच्छा, खाना पीना वहाँ फ्री। अच्छा, रहने की व्यवस्था तो वहाँ वडार है। हाँ जी ताऊ जी, धर्मशाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कल तक वहाँ खाना फ्री है। अच्छा दाऊ जी, और दाऊ जी हम कभी इसके अलावा इस जगह में आए, तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ की व्यवस्था, यहाँ लॉज है रहने का। अच्छा, तो मतलब कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो हम भाई आपसे बोल देंगे। बिल्कुल, हमसे भी बोल सकते हैं कहाँ रहना है, कहाँ खाना है। हाँ दाऊ जी, और आज की भी कोई दिक्कत है, यहाँ पर लॉज है। अच्छा, अगर थकावट हो गई तो आज भी रह सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बढ़िया दाऊ जी, धन्यवाद दाऊ जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई। तो भाई ताऊ जी ने बता दिया कि आप लोग इस गाँव में आए, तो भाई यहाँ पे भी होम स्टे हैं, गांव वालों ने बनाए, बहुत अच्छी बात है। और अभी हमें ये रिकमेंड कर रहे हैं कि ऊपर चले जाए मंदिर की तरफ को। तो भाई हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि वन से नारायण के लिए निकलना है, तो कि यहाँ से है 6 किलोमीटर पे, और ये है वन से नारायण का गेट, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और मेरे इस साइड पे देख सकते हो, ये है भाई गांव, बहुत ही फेमस कलगोट गांव, और बहुत ही मज़ा आया। आपने देखा, चाय वाय पी हमने लोगों ने यहाँ पे, और जिस प्रकार के लोग हैं यहाँ पे ना, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और देखो पीछे ताऊ जी अभी हमें बता रहे कि रास्ता कहाँ से है, क्योंकि भाई बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो लोग इतनी हेल्प करते हैं यार। बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही अमेजिंग। तो चलते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए नज़ारा, वाह माशाल्लाह, क्या बात, मज़ेदार। और वो देखिए गांव, एकदम कलगोट गांव, और यहीं से हम ऊपर आए, और देखिए, और
एक छोटा सा मंदिर ये दिख रहा है अभी, और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं ज़्यादा। और हमारे सभी साथी लोग, सचिन भाई, सुब हमारे पोर्टर साहब अधिकारी जी, और पापा जी भी छाता लेके पकड़े हुए हैं। और हमारी हालत तो बहुत ही बुरी हो रही है यार, पसीने से एकदम। देखिए मेहनत, इस वीडियो के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग देख सको इस वीडियो को यार। गाइस इट्स नॉट इजी, लेकिन भाई जो लोग ट्रैक बोलते हैं ना या घूमना बोलते हैं, यहाँ आ जाओ एक बार भाई, पता चल जाएगा इतना मज़ा है ना भाई, जिसे रियल ट्रैक करना है। पीछे देख सकते हो आप पूरा जंगल, और जंगल के बीच में मैं सिंगल रास्ता, और जो चलने में मज़ा आ रहा है ना भाई, अमेजिंग। मतलब हालत भी इतनी ख़राब हो रही है, लेकिन जो फीलिंग आ रही है ना नेचर की, बहुत ही अमेजिंग भाई। तो जिसे रियल ट्रैक करना है यार, इस जगह पे आओ यार, बहुत ही मस्त जगह है। देखो बारिश भी हो रही है और छाता भी हमने रंग बिरंगा लिया हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे साथी लोग तो निकल गए, और सबसे लास्ट में मैं ही हूँ। एक बार आपको जंगल दिखा लेता हूँ पीछे। तो भाई ये देखो, इस जंगल से आ रहा है, कुछ पता नहीं कुछ नहीं, और बीच में एक गधेरा है जिसे लगभग हमने अभी तक 12 से 13 बार क्रॉस कर लिया है। तो ताऊ जी ने जो बताया था, कह रहे थे कि 11-12 बार क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमने कर लिया है। तो होपफुली हम पहुंच ही जाएंगे अब जल्दी, और टाइम भी अंधेरा होने वाला है, 6 बज चुकी है क्योंकि। लेकिन देखो कब तक पहुँचते हैं, पर एक्सपीरियंस अब डायरेक्ट मैं वहीं बताऊँगा आपको। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर से लगभग 200 मीटर के नीचे पे। तो सचिन भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा अभी तक का, बताओ जरा हमारी जनता को। हेलो गाइस, आई एम सचिन बिस्ट। हाँ जी, हम जोशीमठ ठेलंग, एंड आज हम पहुंचे हैं मतलब बंसी नारायण। जैसे कि हम कंफ्यूज हो गए थे रास्ते में कि कहाँ पे गधेरा है, कहाँ पे रास्ता है। हम यहाँ पे मेरे अमित भैया, और यहाँ पे हमारे ताऊ जी, और यहाँ पे हमारे श्याम भैया पोर्टर साहब, और हम यहाँ पे धीरे धीरे मंदिर की तरफ आते हुए। और जैसे कि हमने रास्ते में देखा कि एक ताऊ जी से बात की, उन्होंने कहा कि 30-40 लोग गए हैं मतलब बंसी नारायण, तो भीड़ बहुत है। इस और हमारा अभी प्लान नहीं बना कि किस चीज में रहना है, अपने टेंट में रहना है या उड्यार में रहना है। देखते हैं कि क्या होता है अभी इसके बाद। तो गाइज उड्यार मतलब आप लोग समझ जाएंगे, जो पत्थरों के बीच में गुफा बनती है उसे बोलते हैं उड्यार। ये गढ़वाली वर्ड है। तो अभी हम जितना भी शूट कर रहे हैं, तो हमारे अधिकारी जी देख सकते हो लाइट के साथ टॉर्च लगाया हुआ है, तो हम टॉर्च से ही शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अंधेरा हो चुका है, तो आपको आवाज तो सुनाई दे रही होगी शंख और भंगूरों की, जो गढ़वाली, जो भाई कैमरा उस पर नहीं जाएगा। तो जो गढ़वाली तरीका होता है कि भाई किसी भी भगवान की पूजा करने का, वह है। तो इसके आगे का शूट वैसे कम से ट्राई करूंगा कि शूट हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत हम कर लेंगे लाइट से एडजस्ट। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलते हैं अभी वहाँ पे और व्यवस्था देखते हैं पहले फटाफट। फाइनली गाइस इतने लंबे सफर के बाद हम लोगों ने टेंट वेंट का जुगाड़ कर दिया है, और हम उड्यार के अंदर ये टेंट लगाया, और बहुत ही मेहनत लगी है। अब उस मेहनत को हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई सारे लोग थक चुके थे, कैमरा पकड़ने का कोई भी सीन नहीं था। तो अभी हम सोते हैं, और रात बहुत हो चुकी है, तो सोचना जरूरी भी है क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक हो गया है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, और इससे आगे आपको इसके सेकंड पार्ट में दिखेगा, मतलब डे टू में कल सुबह होगी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तो अभी के लिए गुड नाइट, और जल्दी मिलते हैं आपको सेकंड वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।